हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या गर्मियों के मौसम में अंडे खाना फ़ायदेमंद होता है या फिर नुकसानदायक होता है। फ्रेंड्स, आपको यह बात पता ही होगी कि अंडा जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडे की जर्दी में पूरे अंडे का करीब 90% कैल्शियम और लोहा मौजूद होता है। सफ़ेद हिस्से में आधे अंडे का प्रोटीन होता है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अंडे जो होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या चिलचिलाती गर्मी में अंडे का सेवन करना ठीक होगा या फिर नहीं, और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। क्या गर्मियों में आपको अंडे का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, यदि आप गर्मियों के मौसम में अंडे का सेवन करते हैं तो अस्वस्थ हो सकते हैं, यह एक गलत धारणा है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मियों में ज़्यादा अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंडे में गर्मी पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए अपच और बेचैनी की समस्या आपको हो सकती है। लेकिन अगर सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो इससे आपको उत्तम पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको गर्मियों के मौसम में दिन भर में 1 से 2 अंडे ही खाना चाहिए। यदि आप इतने अंडे खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी फायदा होता है, लेकिन आप बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको आंतों से जुड़ी हुई समस्याएँ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप यदि गर्मियों के मौसम में अंडे खाते हैं तो आप बहुत ही नियमित और सीमित मात्रा में इसका सेवन करें, नहीं तो इससे आपके शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।